जौनपुर जिले के रामनगर ब्लॉक के नुकरा गांव में खेतों की सिंचाई के लिए सन 1961 में सरकारी नलकूप लगा था ताकि किसानों की खेती सही ढंग से हो सके। परंतु बड़े अफसोस की बात है कि सन 1981 में नलकूप खराब होकर बंद हो गया, जिससे भोला सहित लगभग 2000 किसानों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमारे ग्राम सभा में सिंचाई की मतलब कि बहुत समस्या है, जो कि पुराना ट्यूबवेल था वो कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पे कितने किसान हैं कि जिनको मतलब सिंचाई से संबंधित प्रभावित हो रहे हैं? ये लगभग करीबन आसपास यहीं 2000 परिवार के लोग हैं, 2-3 पुरवाही पड़ती हैं और ये सब सिंचाई बाधित हो पड़ी हैं। तो ट्यूबवेल की सिंचाई क्या थी और ये बिजली की सिंचाई महंगो दरों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है किसानों पर? भाई प्राइवेट नलकूपें तो काफ़ी महंगी पड़ती हैं, हैं? लगभग जैसे एक बीघे का आंकड़ा कुछ बता सकते हैं आप? प्राइवेट तो भाई काफ़ी पड़ते हैं, अब लगभग में आंकड़े 2000-2500 के लगभग पड़ जाते हैं, हैं? एक फसल का। तो इस हिसाब से किसान पे क्या प्रभाव पड़ रहा है भाई? इतनी महंगी खेती करने पर किसानों को क्या मिल रहा है? काहे की बंद बाई जानकारी बाप के ऑपरेटर नहीं थे, उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं था। इसका समाधान क्यों नहीं, अब कोई प्रयास किए आप लोगों ने? लोग जा रहे थे तहसील पे, जिला स्तर पर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। विधायक के पास भी गए। जैसे अगर ये ट्यूबवेल बन जाता है तो किसानों को क्या फायदा होगा? ट्यूबवेल भाई गवर्नमेंट का है, या काफ़ी मतलब कि राहत मिलेगा इससे, हैं? इसकी सस्ते दर पर मतलब सिंचाई होती है। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि जौनपुर जिले के मणियाहू तहसील के SDM का मोबाइल नंबर 94-54-71-09 पे कॉल करके दबाव बनाए ताकि इनकी समस्या दूर हो सके। मैं उषा पटेल, जौनपुर जिला, उत्तर प्रदेश, इंडिया, नहड़ के लिए।